नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। वैशाली जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को धत्ता बताते हुए दिन दहाड़े बैंक लूट की घटना को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दी। बैंक लूट की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ तौर से बैंक लूट के साथ साथ लुटेरों द्वारा बड़बड़तापूर्वक बैंक कर्मियों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। वहीं घटना के बाद पुलिस परिचित अंदाज में मामले की जाँच में जुट गई है। गया में मैगरा थाने क्षेत्र में बीते दिन एक छात्रा का शव बरामद किया गया था। लोगों ने इस घटना के संबंध में पुलिस को बताया कि दुष्कर्म करने के बाद हत्या की वारदात की गई। वहीं घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त होने लगा है। इसी को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया और अपराधियों की गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की गई। आज से दो तीन दिन पहले एक नीलम कुमारी का बाकुर में हत्या हो गई। उसको दुष्कर्म करके अगवा करके दुष्कर्म करके उसको हत्या किया गया। इसी विरोध में उसको आत्मा की शांति के लिए हम लोग नारायणपुर से हम लोग मैगरा तक का कैंडल मार्च का हम लोग किए ग्रामीण जनता की तरफ से। पटना गया रेलखंड में एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों ने राहत महसूस की है। तो वहीं ट्रेन का टिकट नहीं मिलने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि बीते शनिवार को अराजक तत्वों ने बुकिंग काउंटर को निशाना बताते हुए बुकिंग रूम में लगे कंप्यूटर और मॉनिटर को क्षतिग्रस्त कर दिया था और आग के हवाले कर दिया था। हमको तो धनबाद तक जाना है, लेकिन टिकट मिला नहीं। काउंटर पर गए थे, काउंटर पर बात भी किया, हाथ से लिख करके भी बोले कि हाथ से लिख कर दे दीजिए, मुहर साइन मार करके बोले कि नहीं ऐसा सिस्टम नहीं है। और अब बात कर लेते हैं नौबतपुर की, जहां वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया गया कि व्यक्ति सड़क किनारे चल रहा था, तभी एक अज्ञात वाहन ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके से वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। स्टूडेंट 4 बजे भोर में निकले रोड पर और 3-4 बजे के बीच में हादसा होले। आदमी उधर ही के आदमी बाहर गेले तो देखले तो वही टांग टूंग के आके हल्ला कर ले, कहले कि हाँ धक्का लगले तो आके यहाँ पड़ी रख दल थी। एक्सीडेंट हुआ था घर से बाहर आ गए थे, कई बजे के लगभग आप लोगों को जानकारी हुआ था कि धक्का लगा? भागलपुर के पीरपैंती रेफरल अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। इस अस्पताल में भर्ती हो रहे मरीजों के खान पान की सुविधा भगवान भरोसे है, जबकि सरकारी योजनाओं में दिन के हिसाब से कई मेन्यू बने हुए हैं। आपको बता दें कि पीरपैंती रेफरल अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए खान पान की जो सेवा कार्य है वो मेन्यू के आधार पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, मगर फिर भी वो सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही है। कल शाम में 4 बजे और यहाँ के अधिकारी द्वारा कितने बजे मतलब डॉक्टर साहब बोले होंगे ना रहने के लिए कि अपने मर्जी से कह रहे हैं? डॉक्टर साहब बोला कि आपका डिलीवरी होगा, आपको जाना नहीं है, आप रहो यहीं। आशा आती थी अपने तो आशा चली गई, दवाई का पोलियो वाला दवाई पिलाने का थी, हमको बोला कि तुमको परसों ले जाएंगे, तो हम बोलबो करके हम परसों 3 दिन रहेंगे, नहीं नहीं तो आज घर ना होगा कल हम आए। चावल दाल सब्जी दही। कितने लोगों को देना था आज? डाइट देखना होगा कितने आदमी का है। देखे नहीं, वो लोग शिकायत है कि हम लोगों को खाना नहीं मिला है, किसी को यदि मिला है तो थोड़ा मिला है। बढ़िया नहीं, थोड़ा नहीं मिलेगा, मतलब सबका नापा हुआ है जितना है, 125 ग्राम चावल, 50 ग्राम दाल, हरा सब्जी और दही, वो जो है वही सब जो मेनू है वो मेनू के हिसाब से मिला। नाश्ता का सर? नाश्ता मिला, चाय बिस्किट मिला, किसी को नहीं मिला सर? कहाँ कोई मिला है? सर का सर चादर जो वितरण करना है आपको देना है पेशेंट को, उसका क्या है सर? किसी को एक ही कलर का है, एक दिन 24 घंटा में कलर बदलता है। वैशाली जिले में लगातार बेखौफ अपराधियों का तांडव जारी है। इसी क्रम में प्रशासन को धत्ता बताते हुए अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या सुभाष चौक स्थित नीलम ज्वेलर्स के प्रोपराइटर सुनील कुमार की गोली मारकर की गई। बताया गया कि 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधी दुकान के अंदर सोने की ज्वेलरी खरीदने के बहाने घुसे, जिसके थोड़ी देर बाद में ही आधे दर्जन से ज्यादा फायरिंग कर सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। वही घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
अभी तुरंत अभी जानकारी प्राप्त हुई कि शहर के हाजीपुर शहर के बीचों बीच नीलम ज्वेलर्स हैं, उनके मालिक सुनील कुमार जी को अपराधियों द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। आनंद फानन में हम लोग सभी सदर अस्पताल वहां लेकर गए हैं, सदर अस्पताल है जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो आश्चर्य का विषय है, ये बहुत आश्चर्य का विषय है, बीचों बीच शहर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने में भी अपराधी जरा सा भी संकोच नहीं कर रहा। मधेपुरा में ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के भालुवाई में बेखौफ अपराधियों ने भैंस चरा रहे युवक को गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के भालुवाई में बेखौफ अपराधियों ने युवक को ताबड़तोड़ दो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बलियो क्या ना कहना बोले कौन बच्चा ऐसे ना भैंस में रहे, भैंस भाग गए पटवा देखे जी। उन लोग जैसे 15-20 आदमी पूरा ग्रुप जो रहे 15-16 आदमी जी, 15-16 आदमी सब लोग जैसे खसी बची बना के दारू तारू पी रहे थे जी। और तक बाद जैसे हथियार के साथ रहे सबका। अच्छा सर। ओकर बाद जैसे से वो बच्चा जब भैंस भाग गए तो बच्चा के पिताजी गए तो उड़िया छिड़े पटवा में। अच्छा। घेर ललके जी और रफल तफल देखा लगे सबको जैसे गाली गुप्ता दिए लगल जी। गाली गुप्ता दे के बाद जैसे हल्ला भले तेने से हमारे भतीजा मलिक के गले जी पटवा खेत में गले मलिक के बस मैंने सबका 10-15 आदमी रहे गले जी डायरेक्ट गोली मार दिले। अच्छा। जाजा हम लोग गलिए तब सब लोग खबर सासाराम से है जहां आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के बिहार प्रांत के प्रदेश युवा अध्यक्ष सरोज चंद्रवंशी की सासाराम में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया गया कि जब सासाराम के नगर थाना क्षेत्र के पोस्टल कॉलोनी के रहने वाले सरोज चंद्रवंशी स्कूटी से अपने घर की ओर जा रहे थे, उसी दरमियान एक अनियंत्रित बस ने उनके स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के फजलगंज मोड़ की है। इस हादसे के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया है। ना कल रात को जो है 10:30 बजे ये पेट्रोल टंकी फजलगंज के पास कोई बस आ रहा था और ये स्कूटी से आ रहे थे चंद्रवंशी नगर से, उसे दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ है। क्या नाम है मृतक का? सरोज चंद्रवंशी। कहाँ के रहने वाले हैं? पोस्टल कॉलोनी सासाराम। बेगूसराय में एक व्यवसायी के घर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के लोहिया नगर मोहल्ले की है। वहीं चोरी की घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरों ने घर में रखे लाइसेंसी रिवॉल्वर, 30 कारतूस, 5 लाख रुपए नकद और करीब 15 लाख रुपए से ज्यादा के जेवरात की चोरी कर ली है। वहीं घटना की सूचना पर लोहिया नगर थाना पुलिस पर मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। रात हम 10:30 बजे आए साइट पर से, आए खाना खाए सो गए। बेटा हमारा पंप पर से आया गोलू, वो आया 11:30 बजे, फिर खाना खाया वो भी सो गया, दोनों आदमी सो गए। जिस रूम में हम सोए वाइफ थी ये पोता था बीच में, तीनों आदमी सोए हुए थे। अब इन किया किधर से ही तो हम नहीं जान रहे हैं, इन किया उसके बाद आया नीचे तोड़ दिया अलमारी, जिस रूम में हम सोए हुए थे वो भी अलमारी तोड़ उससे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।